वेलकम टू स्टडी पॉइंट। यस, क्वेश्चन नंबर 6। और चलो एक चीज सीखते हैं, एमसीक्यूज आएंगे ना आपके पास, क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। सर देखो इधर, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इधर देखो, इधर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सर्कल है, इधर देखो जो पी कर रहे हैं, इस सर्कल में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये सर्कल है, कुछ नहीं दिया हुआ, रेशियो बताइए, एरिया ऑफ आउटर सर्कल अपॉन एरिया ऑफ इनर सर्कल, इसका रेशियो बताइए। पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, बात तो उसकी है, पाई आर स्क्वायर, ये आउटर सर्कल है, ठीक है सर, ये इनर सर्कल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब कुछ भी नहीं गिवन, अब यहां रिलेशंस ढूंढने, रिलेशन, ठीक है, बस ये ध्यान रख, ये रहेगा कि ये कॉन्सेंट्रिक है, सेंटर दोनों का सेम है। अब देखो होता क्या, एक्चुअली आउटर सर्कल का रेडियस ये होगा और इनर सर्कल का रेडियस ये होगा। ओह माय गॉड, ये है लॉजिक, ठीक है सर, प्रॉब्लम ये निकलेगा कैसे, कहीं से भी आप स्टार्ट करो, ठीक है, कहां से स्टार्ट करोगे, मान लो आउटर का रेडियस मान लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ले लो, आउटर का रेडियस ले लो, इनर का ले लो, एक से दूसरा फाइंड करना है, तो अगर आउटर का रेडियस ये है तो ये तो हमें मालूम हो गया, अब इनर का निकालना है, अब इनर का कैसे निकालना, ये निकालना, ठीक है जी, अब ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल था 60, कितना था 60, अगर आप इसे ज्वाइन करोगे तो इसने हाफ किया होगा, तो ये हो गया होगा 30। अब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू साइन 30, यस और नो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है सर, साइन 30 होता है 1/2, तो इसको आप यहां ले जाइए, इसको यहां ले जाइए, तो आर इज इक्वल्स टू 2r, मर्जी आप कैपिटल आर को रखो, स्मॉल आर को, चलो इसको, इसको ही रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर, आर की जगह आप कैपिटल आर की जगह रख सकते हो 2r, 4r स्क्वायर अपॉन द रेशियो इज, किसी का भी शौक है अगर ओलंपियाड देने का, एनटीएससी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 11th एंट्रेंस डिप्लोमा, और वैसे तो इस बार 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, कितना आएंगे, ठीक है सर, अब ये हुआ क्या है, यही क्वेश्चन है आपका कि भाई आपको अगर एक चीज दे दे तो क्या आप दूसरी चीज निकाल सकते हो, मान लो हमारे पास क्या था क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में था इन ए सर्कुलर कवर ऑफ रेडियस 32, रेडियस कितना दिया हुआ था, अभी मैंने ये निकाला है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये निकाल सकता हूं, ये क्या साइड, मान लो इसको हम एक्स ले लें, और ये रेडियस दे दिया 32, एंगल अभी भी 30 रहेगा, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो एंगल कितना रहेगा 30, अब इस एंगल के लिए ये बेस ही हाइपोटेनस, तो x अपॉन 32 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस cos 30, 30 60 का हाफ cos 30 जो 2 से ये कितना हो गया जी, तो x कितना हो गया सर, लेकिन x आया है, आपको तो डबल चाहिए, ठीक है भाई, आपको तो क्या चाहिए डबल, तो ab इज इक्वल्स टू डबल 16 into 2, ठीक है जी, अब आपके पास क्या था, सर्कल का रेडियस गिवन था, आपके पास साइड आ गई, तो आपसे क्या कह रहा है, ये निकालो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो सर्कल में से किसको माइनस करोगे जी, पूरे सर्किल में से किसको माइनस करोगे, तो सर्किल का रेडियस बता, इसको बता, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई 32 का स्क्वायर, माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल,
कितना होता है ये रूट 3/4 साइड का स्क्वायर, जैसे भी आप कैलकुलेट करो। तो समझ में आया? कोशिश करेंगे शाम में सारी क्लासेस अटेंड करनी है, ध्यान रहे ठीक है। जो गर्ल्स वाली टीम है हमारी हमारी 4 बजे क्लास में आएगी, बाकी जो है साइंस की क्लास में आएंगे, करेंगे। आपसे मैंने क्या कहा है, जो आपके अंदर टैलेंट है माशाल्लाह उसको 100% यूटिलाइज करिए, फिर देखिए माशाल्लाह क्या आपको अचीवमेंट मिलता है। अपनी 100% यूज करने का पड़ोसियों की नहीं। चलो जी, थैंक यू सो मच। ये लो जी किसकी बुक है,